आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 586वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं, आचार संहिता प्रभावी है, टिकटों की घोषणा लगभग हो चुकी है। मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के द्वारा टिकटों की घोषणा कर दी गई है। शेष जो दल हैं वे सिवनी में विशेष अपनी उपस्थिति अभी तक उन्होंने दर्ज नहीं कराई है। सिर्फ एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुने गए थे, वो भी जो जिस सीट से वो चुने गए थे वो सीट ही विलोपित हो गई है। तो सिवनी जिले में बची चार सीटों पे मुख्य रूप से विजय श्री का वर्ण करने वाले उम्मीदवारों में मतलब ये कहा जाए कि विजय श्री जिसने जो जीता है या जो रनर अप रहा है, जो दूसरे नंबर पर रहा है, इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा ही आगे पीछे रही है। एक बार 2013 में निर्दलीय का कब्जा सिवनी में रहा है। सिवनी विधानसभा के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी इस बार, आज हम सिवनी विधानसभा के बारे में ही चर्चा करना चाह रहे हैं। सिवनी विधानसभा के बाद हम आपको बाकी विधानसभाओं के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हमने आपको जो सिवनी विधानसभा का एक पूरा इतिहास बताया था, उस संबंध में 1951 से 2018 तक हमने आपको बताया था। और इसमें अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे नरेश दिवाकर, जो बाद में जिलाध्यक्ष बने, 1998 और 2003 में वे चुनाव जीते। नरेश दिवाकर को इसके बाद दोबारा जब मैदान में उतारा गया तो उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। नीता पटेरिया भी प्रदेश स्तर पर रही हैं और सिवनी में भी रही हैं, और नीता पटेरिया 2008 में चुनाव जीती थी, 2013 में दिनेश राय निर्दलीय जीते, 2018 में दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अंतिम विधायक 1985 में थे। 1985 में अंतिम विधायक रमेश चंद्र जैन थे, जो 1985 से 1990 तक आए। 1990 से 1992 के बाद 1993 में जब चुनाव हुआ तो 1990 से 92 के तक महेश प्रसाद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के जीते और वे मंत्री बने। उसके बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन मंत्री बने, पर वे सिवनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीते। उसके पहले सुश्री विमला वर्मा सिवनी से मंत्री रही, पर वे सिवनी से चुनाव नहीं जीती। हरवंश सिंह सिवनी से मंत्री रहे, जिले से मंत्री रहे, पर वे सिवनी विधानसभा से चुनाव कभी नहीं जीते। सिवनी विधानसभा से चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाले इकलौता नाम है महेश प्रसाद शुक्ला का, जो भारतीय जनता पार्टी से जीते। अब हम बात करें सिवनी के ज्वलंत मुद्दों की, कि सिवनी के जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, जो इन बातों पे चर्चा चल रही है, वो जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के हिसाब से अगर देखा जाए, हमने आपसे कांग्रेस भाजपा के नेताओं से चर्चा भी की, आपको बताया जो चर्चाएं हैं। सबसे पहली चर्चा सिवनी विधानसभा में लाल माटी में पानी की है। लाल माटी अर्थात गोपालगंज के आसपास का क्षेत्र, जहां पर मट्टी ही लाल है, वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। किसान चाहते हैं कि पानी वहां पहुंचे। माचागोरा डैम, जो माचागोरा छिंदवाड़ा में है, उसका पानी वहां पर नहरों के माध्यम से ले जाया जाना था। कुछ किसान आंदोलन पर बैठे, अभी फिलहाल पितृपक्ष की बात है, कुछ किसान यहाँ कचहरी चौक पर आंदोलन पर बैठे, पर उन किसानों का की मांग ही नहीं थी। वे किसान लाल माटी में इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन अलग तरह का चाह रहे थे। स्वाभाविक है, जो उनकी मांग थी उस मांग के संबंध में कार्यपालन यंत्री या अधीक्षण यंत्री या मुख्य अभियंता ये आए होंगे और इन्होंने चर्चा की। वो एक रटा रटाया जवाब किसानों को दे दिया गया होगा कि प्रस्ताव बनाया जाएगा, शासन को भेजा जाएगा, निश्चित तौर पर शासन से जब स्वीकृति मिलेगी तब माइक्रो इरिगेशन की बात उनके द्वारा की जा रही थी। तो उसमें अभी दिल्ली बहुत दूर है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सिवनी विधानसभा का अगर कोई है तो सिवनी विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आता है वो आता है मेडिकल कॉलेज का। सिवनी में माफ कीजिएगा,
75-76 के बाद जिला चिकित्सालय जो यहाँ सर्किट हाउस में हम खड़े हुए और जिला चिकित्सालय यहाँ पर जब बनाया गया था, विमला वर्मा सिवनी में मंत्री थी और केवलारी से विधायक हुआ करती थी। विमला वर्मा से जब बहुत प्रौढ़ अवस्था में बुजुर्ग हो चुकी थी, तब उनसे जब भी चर्चा होती थी तो वे हमेशा एक बात कहती थी, सिवनी शहर चूंकि ये शहर के बाहर का है, जब भी आपने देखा होगा शहर का सर्किट हाउस रेस्ट हाउस शहर के बाहर ही आबादी के बाहर ही हुआ करता था, इसके बाद आबादी नहीं हुआ करती थी। तो वे ये कहते थे कि सिवनी शहर के लोग ये कहते थे कि इतनी दूर अगर सर्किट हाउस अस्पताल को ले जाया जा रहा है, कौन इलाज कराने जाएगा। पर उनकी दूरंदेशी थी कि उनके द्वारा यहाँ बनाया गया और आज शहर के अंदर ये कहा जाए कि बहुत सहूलियत वाले स्थान पर जिला चिकित्सालय है। जिला चिकित्सालय जब बना था तब लोगों का ये कहना था कि जिला चिकित्सालय मिनी मेडिकल कॉलेज की अर्हता रखता है, मिनी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा सकता था, ये अर्हता यहाँ पर थी। अर्थात मिनी मेडिकल कॉलेज उस समय खोला जा सकता था। मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2018 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई, पर अभी तक आचार संहिता लग चुकी है, जाहिर है अब उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का श्रेय जरूर भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार को जाता है, सिवनी विधायक दिनेश राय के द्वारा भरसक प्रयास किए गए भवन बनाने के लिए, और भवन भी ऐसा बना कि 5 साल तक वो भवन बनता रहा। उस भवन में पत्रकार भी अंदर नहीं जा पाए, चिड़िया भी पर अंदर नहीं मार पाई। किस तरीके का निर्माण वहां पर चल रहा था, बार बार इस बारे को जब भी इस बात को उठाया जाता था, दिनेश राय स्वयं अपने साथ कुछ चुनिंदा पत्रकारों को लेकर जाते थे और वहां जाकर उनके द्वारा निरीक्षण करा दिया जाता था। सवाल इसी बात का है कि आखिर पर्दादारी क्यों, किस बात की पर्दादारी थी उस मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज चाहते तो यहाँ किसी भी भवन में मेडिकल कॉलेज आरंभ हो जाता, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल जो आने वाले समय में संबद्ध अस्पताल संभव तो यही रहने वाला जैसे सूत्रों का कहना है। तो मेडिकल कॉलेज अगर 2018 में घोषित हुआ था, घोषणा की गई थी, 2019 से चालू हो जाता तो अभी 4th या 5th ईयर में 8वां या 9वां 10वां सेमेस्टर चल रहा होता मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का, और 1 साल में आपको यहाँ सीनियर डॉक्टर्स मिल जाते, पर वैसा हुआ नहीं, सिर्फ घोषणा ही साबित हो पाई मेडिकल कॉलेज। इसके बाद एक आती है ट्रामा केयर की बात। सिवनी से 4 लेन गुजर रहा है, सिवनी के जो बाईपास है पर नया बाईपास, उस पर एक ट्रामा केयर यूनिट बनना था 2010 में, जब नरसिंहपुर से लखनऊ, लखनऊ से सिवनी, सिवनी से खवासा के बीच जितना भी मार्ग बना था, जब NHAI को हैंड ओवर किया गया उस दौरान वहां पर एक ट्रामा केयर यूनिट बाईपास पर बन जाना चाहिए था, बाईपास पर ट्रामा केयर यूनिट नहीं बना, केंद्र का मामला था। एक ट्रामा केयर यूनिट सिवनी चिकित्सालय के अंदर बनाया गया, 2012-13 में उसकी बिल्डिंग बना दी गई, 10 साल बाद भी वहां ट्रामा केयर यूनिट आरंभ नहीं हो पाया। अभी हाल ही की बात है, वन विभाग संभवतः पेंच नेशनल पार्क के सूत्रों का कहना है कि उनके यहाँ का एक कर्मचारी LIC के पास कहीं खड़ा हुआ था, 2 वाहन चालक आए और 2 दुपहिया वाहन आके उससे टकराए, आपस में टकराए और उससे वो किनारे खड़े हुए वन कर्मी को संभवतः चोट लगी, वे गिर गए और उसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में ट्रामा केयर यूनिट की बिल्डिंग से इमरजेंसी से बिल्डिंग से इमरजेंसी 4 चक्कर लगवाए गए उन्हें, पेशेंट को लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फुटबॉल बना रहा पेशेंट, अंत में उसे सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट कराया गया, वहाँ से रेफरल अस्पताल बन चुका है सिवनी का, उसे रेफर कर दिया गया नागपुर में न्यूरॉन हॉस्पिटल में, उस वनकर्मी ने दम तोड़ दिया। ट्रामा केयर यूनिट की बहुत कमी खाली, प्रवीण सिंह जब यहाँ पर जिलाधिकारी हुआ करते थे उस समय CRPF के एक जवान महिला जवान को टक्कर मार दी गई थी, तब भी यहाँ ट्रामा केयर यूनिट की बहुत कमी खाली थी 2018 के चुनाव के दौरान। ट्रामा केयर यूनिट एक बहुत बड़ा मुद्दा सिवनी का है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जलावर्धन योजना की अगर हम बात करें तो 2015 में जलावर्धन योजना का वर्क ऑर्डर दिया गया था, 2016 मार्च 2016 में जलावर्धन योजना पूरी हो जानी चाहिए थी। लोगों को अभी भी गंदा मटमैला और कम दबाव का पानी मिल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी नीत नगर पालिका परिषद के द्वारा इस जलावर्धन योजना को जो 48 करोड़ की थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था स्थानीय क्रय समिति के द्वारा, निविदा समिति के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, जब ये राज्य स्तर पर गई, राज्य स्तर पर जाने के बाद इस 48 करोड़ की जलावर्धन योजना में पुरानी जलावर्धन योजना का संधारण मेंटेनेंस जोड़ा जाकर उसे 62 करोड़ 55 लाख की बना दिया गया। 48 करोड़ में जो महंगी पड़ रही थी
स्थानीय निविदा समिति ने कहा कि आसपास के जिलों से ये बहुत महंगी है, अधिक दामों की है, उसमें और पैसा जोड़कर 62,55,00,000 की बना दी गई। कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया। 15 महीने की सरकार आई, जांच कुछ भी नहीं हो पाई। 1.25 साल से कांग्रेस नगर पालिका परिषद में काबिज है और नगर पालिका परिषद को ही जांच करनी है, पर जांच के बजाय जलावर्धन योजना के ठेकेदार को बकायदा पैसा दे दिया जा रहा है। जलावर्धन योजना, इस मामले में आप समझ सकते हैं कि जलावर्धन योजना कांग्रेस और भाजपा के बीच झूला झूलती रही, नतीजा सिफर ही रहा। मॉडल रोड की अगर हम बात करें तो 2012-13 में मॉडल रोड, ये जो मॉडल रोड हमारे पीछे दिख रही है, मॉडल रोड यहाँ से जा रही है, 12-13 में इस मॉडल रोड को आरंभ कराया गया था और 11 महीने में इसे पूरा हो जाना था। 2023, 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक इसकी सीसी जारी नहीं हुई, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। पार्ट्स में बीच बीच में सीसी जारी कर दी गई और अब एनएचएआई के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। कितनी विडंबना है, पैसों की, सरकारी पैसों की होली खेली जा रही, बोलने वाला कोई भी नहीं है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और एक और आपको हम बात बता दें, उद्योग विहीन, रोजगार विहीन सिवनी में युवाओं को के पास कोई रोजगार नहीं। हमने आपको लिमटी की लालटेन में औद्योगिक क्षेत्र का नज़ारा भी दिखाया था, 10 से 12 उद्योग यहाँ पर कार्यरत हैं और 1,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है सिवनी में। जो युवाओं का या बुजुर्गों का कहना है कि सिवनी में रोजगार के नाम पर क्रिकेट का सट्टा है, रोजगार के नाम पर अवैध शराब बिक्री है, रोजगार के नाम पर सट्टा चुआ ये सब कुछ है, नशे की चीजों को बेचना, ये रोजगार है सिवनी में। हम नहीं कहते, युवाओं का कहना है, आप अखबार उठा के देख लीजिए, मीडिया चीख चीख कर इस बात को कह रहा है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, लगातार ही इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए, विपक्ष में बैठी कांग्रेस पूरी तरह मौन ही साधे रही। सिवनी का जिला चिकित्सालय रेफरल अस्पताल बन गया, हमने आपको बताया ही है। और एक युवाओं के लिए एक बात और, यहाँ खेलकूद के नाम पर एक स्टेडियम हुआ करता था, आज भी स्टेडियम है, जिसे फुटबॉल स्टेडियम का नाम दे दिया गया और सब मौन रहे। राजकुमार खुराना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे बेहतर तरीके से जानते होंगे, उनकी उम्र इतनी है कि वे इस बात के गवाह होंगे कि ये यहाँ अस्पताल विमला वर्मा की देन था, विमला वर्मा के पट्टे कहलाते थे, उनके शागिर्द कहलाते थे राजकुमार खुराना, मौन हैं इस बात को लेकर के उस स्टेडियम को फुटबॉल स्टेडियम अघोषित तौर पर बना दिया गया। आप अगर उस स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो आपको 50-100 रुपए शुल्क देकर प्रवेश करना पड़ेगा, आप वहां फुटबॉल नहीं खेल सकते, कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्यों, घास खराब हो जाएगी। क्या आखिर हो रहा है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है राजकुमार खुराना और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी, डीसीए के अध्यक्ष भी है। तो हम लोगों का यही कहना है कि सिवनी में वॉलीबॉल के लिए छोटे छोटे से मैदान है, कहीं कोई स्टेडियम वॉलीबॉल के लिए नहीं है, बास्केटबॉल के लिए कोई स्थान नहीं है, हॉकी के लिए नरेश दिवाकर के प्रयासों से मेजर ध्यानचंद सिंथेटिक हॉकी का ग्राउंड बना। क्रिकेट के लिए राजकुमार खुराना लगभग 1.5 दशक से ज्यादा हो गए हैं और वे जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। सिवनी में एक भी क्रिकेट का मैदान नहीं है 15 वर्षों से, जो क्रिकेट के खिलाड़ी, उदीमान खिलाड़ी ओवर एज हो रहे हैं, उसके लिए जवाबदेह कौन है। सिवनी में एक स्टेडियम बना दिया गया है बीजावाड़ा में, उस स्टेडियम में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि इतनी दूर बनाया गया और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। उसी स्टेडियम को क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील किया जा सकता है, पर पता नहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राजकुमार खुराना को उसमें तकलीफ क्या है, डीसीए के पदाधिकारियों को तकलीफ क्या है। बहरहाल, हमने शुरू में भी आपको बताया कि सिवनी में जो जीत हार हुई है, जो भी जीता है, प्रत्याशी जीता है या हारा है, कांग्रेस या भाजपा, निर्दलीय एक ही बार सिवनी विधानसभा में दिनेश राय निर्दलीय रूप में जीते हैं। वर्तमान में दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की ओर से आनंद पंजवानी हैं। दिनेश राय एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 10 साल का उनका संसदीय अनुभव है। इस 10 साल में सिवनी को
उनके द्वारा अगर कुछ दिया गया है, मेडिकल कॉलेज का भवन, मेडिकल कॉलेज आज भी आरंभ नहीं है, मेडिकल कॉलेज का भवन दिया गया है। मेडिकल कॉलेज इस जिला चिकित्सालय में आरंभ हो सकता था। मेडिकल कॉलेज के लिए जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पर बना हुआ है, जो लगभग खाली पड़ा रहता है, वो वहाँ पर कक्षाएं लग सकती थी, बशर्ते विधायक रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए दिनेश चाहते तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आनंद पंजवानी की बात की जाए तो आनंद पंजवानी एक नया चेहरा है। आनंद पंजवानी का अभी कोई ऐसा सार्वजनिक जीवन, जिसे कहा जनप्रतिनिधि के रूप में, कोई ऐसा उनकी उपलब्धि नहीं है, ना मेरिट है ना डिमेरिट है, प्लस है ना माइनस है, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो ये कहा जाए कि वर्तमान में क्या ऊंट किस करवट बैठेगा सिवनी विधानसभा में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस से राजा बघेल, राजकुमार खुराना, ब्रजेश सिंह लल्लू बघेल, मोहन सिंह चंदेल, बहुत सारे चेहरे थे जो टिकट के दावेदार थे। अब टिकट चूंकि आनंद पंजवानी को अपेक्षित तौर पर कांग्रेस की मिली है, इसलिए उनके द्वारा क्या किया जाता, क्या क्या उनके वायदे हैं, क्या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा हम प्रयास करेंगे, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि उनका विजन क्या होगा, बशर्ते वे समय दें। क्योंकि कांग्रेस से अभी दो दिन पहले ही ये बात आई कि कोई एक पत्रकार वार्ता थी, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया गया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सिवनी पहुंचे, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई। फिर भी हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेताओं का पूर्वाग्रह हो, वे अपना पूर्वाग्रह अपने साथ रखें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया तो सदा से ही निष्पक्ष, निर्भीक, बिना किसी लाग लपेट के जो भी चीज है उसे रखती आई है आपके सामने। चुनाव 17 नवंबर को है, इस बीच में एक बार और जनता का हम मन भांपने की कोशिश करेंगे, जनता का मन भांपने का प्रयास करेंगे। दिनेश राय एक तरफ, दूसरी तरफ चेहरा है आनंद पंजवानी का। बाकी दलों से अभी चेहरे स्पष्ट नहीं हुए हैं, नामांकन दाखिल करने के उपरांत क्या स्थिति बनती है, आज रविवार को हम यहाँ खड़े हुए हैं, और क्या स्थिति बनती है ये दो तीन दिन के बाद, या नामांकन जब पूर्ण हो जाएंगे, नाम वापसी जब हो जाएगी उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी, तब हम आपके साथ फिर से एक बार और रूबरू होने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 586वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर आप इसे देख सकते हैं, रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 587वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।